कर्नाटक में कांग्रेस की जीत और बीजेपी की हार से विपक्ष उत्साहित है। जाहिर है विपक्ष इसे 2024 के लिए बड़े संदेश के तौर पर और संकेत के तौर पर देख रहा है। इसी कड़ी में आज महाराष्ट्र में एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने महाविकास अघाड़ी घटक दल की एक अर्जेंट बैठक आज शाम 4:30 बजे बुलाई। बैठक मुंबई में शरद पवार के घर पर होगी, जिसमें शिवसेना और यूबीटी के प्रमुख उद्धव ठाकरे और राज्य कांग्रेस के बड़े नेता शामिल होंगे। शिवसेना यूबीटी गुट के नेता संजय राउत ने कहा, शरद पवार की अगुवाई में आज की बैठक में 2024 के चुनाव को लेकर चर्चा होगी। 2024 की तैयारी हो चुकी है। आज महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी की प्रमुख लोगों की बैठक है शरद पवार जी के नेतृत्व में, और हम एक साथ बैठकर 2024 के तैयारी के बारे में आज हमारी बातचीत शुरू हुई। देखिए, शरद पवार जी के लीडरशिप में यह बैठक हो रही है, उसमें उद्धव ठाकरे जी है, मैं खुद भी रहूँगा, नाना पटोले जी रहेंगे, अशोक चव्हाण रहेंगे, बाला साहेब थोरा सेल के लीडर वो रहेंगे, अजीत दादा रहेंगे, पवार पार्टी के अध्यक्ष उनके जयंतराव पाटिल भी रहेंगे। सोहित मिश्रा है हमारे साथ। सोहित, इसे अर्जेंट बैठक कहा जा रहा है, यानी क्या ये कहा जाए कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद ये तय किया गया, या पहले से इसकी रूपरेखा तैयार थी? ये बैठक की रूपरेखा पहले से ही तैयार थी, और पिछले हफ्ते ही शरद पवार ने जब बातचीत की थी मीडिया कर्मियों से, तब भी वो बोलते बोलते उन्होंने कहा था कि अभी से ही हमें सीट शेयरिंग और बाकी चीजों को लेकर फैसला करना चाहिए, क्योंकि अगर आप 2024 में अगर चुनाव होते हैं और उससे दो हफ्ते पहले अगर आप इसकी बातचीत करेंगे, तो क्योंकि तीन पार्टियां हैं तो इसमें मसले बढ़ सकते हैं, परेशानियां बढ़ सकती हैं, उलझने बढ़ सकती हैं, और ऐसे में अभी से ही इसके देख रेखा की शुरुआत की जा रही है, और शरद पवार की देख रेख में आज ये बैठक होगी। इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि आप देखिए, शरद पवार एनसीपी के प्रमुख एक बार फिर से बनते हैं, और उसके बाद ये चूंकि बैठक हो रही है तो महाविकास आघाड़ी आगे किस तरह से उनका प्लान क्या रहने वाला है, प्लान ऑफ एक्शन, उस पर भी चर्चा होगी। विधानसभा और लोकसभा चुनावों के अलावा आने वाले समय में महाराष्ट्र के अलग अलग महानगर पालिकाएं हैं जहां पर चुनाव होना है, और अभी जितने भी उपचुनाव हुए हैं शारिक, आपको भी पता है कि ऐसे कई जगह हैं जहां पर महाविकास आघाड़ी एक साथ जब लड़ी है तब उन्हें काफी फायदा हुआ है। ऐसे में इसे आगे किस तरह ले जाया जाए, जो तीनों पार्टियों के बीच में ऐसे कई सारे मुद्दे हैं जिसे लेकर उलझन मौजूद है, उसे किस तरह से साझा किया जाए, जो कंफ्यूजन है उसे किस तरह से दूर किया जाए, और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया उसके बाद अब आगे की रणनीति क्या होगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय में जिस तरह के ऑब्जर्वेशन सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने दिए हैं वो महाविकास आघाड़ी के लिए एक बड़ी राहत की बात रही है, तो उसका किस तरह से उपयोग किया जाए और उसको लेकर किस तरह से रणनीति बनाई जाए, ये सारी चीजों को लेकर बैठक हो रही है। एक वज्रमूठ नामक सभा भी महाराष्ट्र में अलग अलग जगहों पर हो रही है, 1 मई को वो सभा मुंबई में हुई थी, अब इसके आगे की सभा के ऊपर भी चर्चा की जानी है, और काफी समय के बाद अब हम देख रहे हैं कि जो महाविकास आघाड़ी के तीनों नेता हैं, चाहे वो शरद पवार हों, उद्धव ठाकरे हों, या कांग्रेस से नाना पटोले, बाला साहेब थोरात या और नेता हों, तो इन सभी ये सभी लोग एक बार फिर से मिल रहे हैं और चुनावों से पहले आगे की तैयारी की जा रही है। बिल्कुल जो आपने कहा वो भी सही है कि कर्नाटक में जिस तरह से नतीजे आए हैं उस पर भी जरूर चर्चा की जाएगी, और देखा जाएगा कि क्या वैसा कुछ महाराष्ट्र में भी हो सकता है, अगर करना है तो उसके लिए क्या रणनीति होगी। लेकिन आज जो ये बैठक है, ये आप समझ लीजिए ये बैठकों का एक सिलसिला जारी रहने वाला है, जिसमें से यह पहली बैठक है जो आज 4:30 बजे सिल्वर रोक, जो शरद पवार का घर है मुंबई में, वहां पर होने वाला है, और महाविकास आघाड़ी के तमाम बड़े नेता इस बैठक में शामिल होंगे। संक्षेप में सोहित, कि अलग अलग चुनाव भले ही साथ लड़े हों, लेकिन विधानसभा चुनाव के बाद ये तीनों पार्टियां एक साथ आई थी और महाविकास आघाड़ी बना था, अगर 2024 में एक साथ लड़ना है तो इनके लिए बहुत मंथन की जरूरत होगी कि तीनों में आम सहमति बने कि कौन कहां से लड़ेगा और 1-to-1 फाइट हो। बिल्कुल, देखिए सीट शेयरिंग कभी भी दो पार्टियों में करना आसान होता है, क्योंकि लगभग आपको पता होता है कि आप कहां पर लड़ सकते हो कहां पर नहीं, लेकिन जब तीन पार्टियां साथ में आ जाती हैं तो ऐसे कई जगह होते हैं जहां पर उन तीन में से दो पार्टियां काफी मजबूत होती हैं। मसलन के तौर पर अगर नासिक की बात करें तो नासिक में शिवसेना उद्धव गट भी मजबूत है और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी भी मजबूत है, तो ऐसे में उस जगह पर से कौन लड़ेगा, तो ऐसे कई सारी चीजें होती हैं जो तीन पार्टियां साथ में आती हैं। सीट शेयरिंग में आपके पास सीट कम हो जाती हैं, तीनों को एक दूसरे का साथ देना है, अपने अपने कार्यकर्ताओं को संभालना है, इसलिए एक साल पहले सब समझ लीजिए इसकी तैयारियां हो रही हैं,
और जो पहली बैठक है वो आज शाम 4:30 बजे सिल्वर ओक जो बंगला है शरद पवार का मुंबई में, वहां पर उसका आयोजन किया जा रहा है। शुक्रिया सोहित विस्तार से इस खबर पर रोशनी डालने के लिए।